हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक और अच्छी सेटिंग लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं किसी दूसरे के व्हाट्सएप का अपना मैसेज पढ़ना, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपली बात बताना, मैं आप लोगों को चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं किसी दूसरे बंदे का व्हाट्सएप आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी का व्हाट्सएप देख सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी या वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दिया, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सही तरीके समझने के लिए ज़रूरत होती है वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल स्किप किए ना देखना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपली तरीके से बताऊँगा कि किसी दूसरे का व्हाट्सएप कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक ऐप, ऐप का नाम होता है फ्रेंड्स व्हाट्सएप वेब। तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चल के देख, तो फ्रेंड्स सिंपली हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम व्हाट्सएप वेब, एक ऐप होता है फ्रेंड्स जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं प्ले स्टोर पे आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दूँगा ऐप का। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको सर्च करना है। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पे सीधे सी यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमने ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा रहे हैं और हम सिंपली इस ऐप को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जिस बंदे का या किसी का भी हमें व्हाट्सएप देखना है, तो फ्रेंड्स हमें अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करना है और उस बंदे के फ़ोन में कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स केवल 30 सेकंड के लिए फ़ोन चाहिए होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट्सएप वेब जियो, ये जो पहला दिखा रहा है स्कैनर, इस स्कैनर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स स्कैन करने को आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन करने को आ रहा है, तो फ्रेंड्स सिंपली हमें यहाँ पर एक बारकोड मिल जाएगा। ये बार कोड हमें उस बंदे के फ़ोन से स्कैन करना है जिसका हम व्हाट्सएप देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि उस बंदे के फ़ोन में किस तरह से कहां से मिलेगा स्कैन करने वाला। तो अभी बैक चलता हूं और दिखाता हूं कहां से स्कैन करने वाला मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूं अपने व्हाट्सएप की ओर और मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ स्टेटस पे। यहाँ पे स्टेटस पे आने के बाद एंड से क्या होता है कि ये यहाँ पे प्रोफाइल अपनी खोलेंगे। जब प्रोफाइल खोलने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे हमारा बारकोड दिख रहा है, बारकोड दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए मेरा बारकोड आ गया है यहाँ पे एंड से। और इस तरह से हम बारकोड स्कैन करके सिंपली किसी का भी व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका व्हाट्सएप हैक करना हो तो ये बहुत ही अच्छी और खूबिया सेटिंग है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसका उपयोग गलत तरीके से ना करें। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि गलत कामों के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। किसी के मैसेज ही देखने के लिए करें, ऐसा नहीं कि आप उसका कुछ पर्सनल डेटा लीक करें, ऐसा कुछ ना करें फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।